नमस्कार किसान भाइयों एवं नागरिक बंधुओं, आप सबको 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हम सब मिलकर स्वतंत्रता दिवस पर यह संकल्प लें कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की जनता से आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत का बनाने का, उसके लिए हम सब मिलकर कार्य करेंगे। आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब आत्मनिर्भर किसान होगा, आत्मनिर्भर खेती होगी और आत्मनिर्भर ग्राम होगा। और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लेकर आए हैं। यह आजाद भारत की सबसे बड़ी योजना है गांव के लिए, किसानों के लिए। अब हमारे गांव की जो हमारे प्लाट है, हमारी जमीन है, हमारे मकान है, इसका ड्रोन कैमरे से सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद में स्वामित्व का अधिकार पुस्तक वो हमको मिलेगी यानी आपको मिलेगी, और इससे कलेक्टर गाइडलाइंस उसकी वैल्यू कीमत कितनी है, मूल्य कितना है वो होगा। उसके कारण हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे, किसान आत्मनिर्भर होगा और उसकी वैल्यू के अनुसार उसको बैंक से कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, कोई उद्योग व्यवसाय, मकान, दुकान जो भी बनाना है उसके लिए ऋण बैंकों से मिल सकेगा। और इससे गांव के विकास के द्वार खुलेंगे, गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। सही मायने में गांव को स्वतंत्रता मिली है और वो आजादी दिलाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसके लिए मैं आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी प्रकार भारत का नेतृत्व करते रहे और गांव, गरीब और किसानों को और भारत को आत्मनिर्भर बनाकर पूरी दुनिया में भारत माता का मान बढ़ाए, हम सबका मान बढ़ाए, ऐसा ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। आप सबको एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। मैं भी अपने घर पर सुबह झंडा वंदन करूंगा। आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं कि अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं, खुशियां मनाएं और अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं, क्योंकि कोरोना के संकट के चलते सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं और इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, मास्क पहनते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने साथियों को सुरक्षित रखें, अपने मित्रों को सुरक्षित रखें और अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने शहर और देश को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत बधाई। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय बलराम, जय श्री राम। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।